Welcome dear students, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. In this session, we are going to see the information about nanomaterials. या फिर उसे हम नैनो पार्टिकल्स भी कहते हैं. हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. नैनो पार्टिकल्स कौन से साइज के होते हैं या फिर उनका यूनिट क्या होता है. ओके, तो वन बाय वन हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे. ओके, तो नैनो मटेरियल के लिए कुछ हमें डेफिनेशंस चाहिए. सो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आर देयर, जैसे कि नैनो साइंस. ओके, तो नैनो साइंस क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ फेनोमेनॉन एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स एट एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड माइक्रोमॉलिक्यूलर स्केल्स. तो ये जो एक स्टडी है, इसमें हम फेनोमेनॉन या फिर मैनिपुलेशन करने वाले हैं मटेरियल्स का, और कौन से स्केल पे? एट द माइक्रोमॉलिक्यूलर स्केल, या फिर उसे हम एटॉमिक स्केल भी कहते हैं. सो एट दैट स्केल, इफ यू आर स्टडिंग दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, इट इज नथिंग बट द नैनो साइंस. और दूसरी डेफिनेशन होती है इंपॉर्टेंट, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी. सो इट इज अ टेक्नोलॉजी. ओके, ये एक टेक्नोलॉजी है दैट इन्वॉल्व्स द नैनो मटेरियल्स. हमें उनका प्रिपरेशन करना है, सिंथेसिस करना है, उनका कैरेक्टराइजेशन करना है. ओके, और उनका यूज देखना है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑन द डिफरेंट एप्लीकेशंस. ओके, जैसे कि अलग अलग एप्लीकेशंस हम देखेंगे. तो डेफिनेशन होती है कि इट इज डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिवाइसेस एंड सिस्टम्स बाय कंट्रोलिंग द शेप एंड साइज ऑफ द नैनो स्केल और नैनो मटेरियल. तो उस नैनो मटेरियल का जो साइज है, हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उसका शेप भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, दैट इज नथिंग बट दी नैनो टेक्नोलॉजी. ओके, तो अब देखेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज दिस नैनो. कि नैनो वर्ड कहाँ से आया? वी नो दैट नैनो इज ए कार, बट इन केमिस्ट्री या फिर ये नैनो टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करते हैं, तो इसमें ये नैनो कार नहीं आती. ओके, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग द नैनो कार एंड वी आर नॉट स्टडिंग द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ दिस नैनो कार. बट नैनो इट इज अ वर्ड, द मीनिंग ऑफ दिस नैनो इज नथिंग बट दी ड्वार्फ. ओके, जिसका मतलब होता है छोटा. हॉबिट मूवी थी, उसमें भी ये नैनो या फिर ये ड्वार्फ छोटे छोटे लोग दिखाए उसमें. इफ यू कंपेयर द नैनो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल अगर आप कंपेयर करोगे, ड्वार्फ आपको दिखाई देता है बट नैनो डज नॉट. ओके, नैनो आपको दिखाई नहीं देता. सो इट इज वेरी स्मॉल पार्टिकल या फिर कंपाउंड विच इवन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज. ओके, तो ये नैनो होता क्या है? तो उसकी साइज क्या होती है एक्चुअली, तो वो हम देखेंगे. नैनो इट इज ए स्केल, नैनोमीटर इट इज ए स्केल. तो हम ये देखेंगे एक्चुअली कि नैनो होता क्या है. ओके, नैनो स्केल होता क्या है, या फिर ये नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, उनकी साइज क्या होती है. तो ये नैनोमीटर स्केल होता है. इट इज डिफाइंड एज दी 1 to 100 नैनोमीटर. तो नैनोमीटर NM, दिस इज 1 to 100 नैनोमीटर स्केल. द कंपाउंड विच इज कंसिडर्ड एट दिस पर्टिकुलर स्केल, या फिर कुछ पार्टिकल्स या फिर कुछ मटेरियल हम इस साइज पे अगर कंसिडर करते हैं, नैनोमीटर की साइज, 1 to 100 नैनोमीटर की साइज. तो ये 100 नैनोमीटर या फिर 1 नैनोमीटर होता क्या है? तो ये 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10^-9 मीटर. मतलब ये होता है, अभी आप जीरो काउंट कर सकते हैं, दैट इज 0.0000 अप टू 9 स्केल यू हैव टू राइट एट दिस मीटर स्केल. Okay, इसके आप मीटर स्केल में लिख सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू द सेंटीमीटर स्केल, दैट इज 10^-7 सेंटीमीटर स्केल. तो ये हो गई आपकी नैनो की रेंज. अगर आपको कुछ 1 सेंटीमीटर का अगर एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो आप उसको अगर डिवाइड करते हो अप टू 10^-7 पार्ट्स में, ओके, दैट इज अप टू 0.00001 ओके सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 1 नैनोमीटर. ओके, सो इसका मतलब क्या? कि व्हेन मटेरियल इज कन्वर्टेड टू नैनो स्केल, दे पजेस द ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल, थर्मल, कैटालाइटिक, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. अगर एक नैनो स्केल पे अगर आप किसी मटेरियल को कन्वर्ट करते हो, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है. क्योंकि अगर आप बल्क मॉलिक्यूल कंसिडर करते हो, तो बल्क मॉलिक्यूल अलग होता है और नैनो पार्टिकल होता है तो वो अलग होता है. तो नैनो स्केल में जाने के बाद उसका जो कुछ सरफेस टू
वॉल्यूम रेशियो है ना, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ये बढ़ जाता है। ओके, तो सरफेस तो वॉल्यूम रेशियो इसका बढ़ जाता है, इसलिए उसकी जो प्रॉपर्टीज है जैसे कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, दैट आर चेंज्ड इन अ लार्ज स्केल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक नैनो मटेरियल होता क्या है। ओके, अब हमने देखा कि नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, तो अब ये नैनो मटेरियल क्या होता है, इट इज अ मटेरियल विच एग्जिस्ट इन नैनोमीटर स्केल, और वो जो स्केल होती है दैट इज 1 to 100 नैनोमीटर। इस स्केल में अगर एक मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट होता है तो इसे हम कहते हैं नैनो मटेरियल, या फिर आप उसे नैनो पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। इफ यू कंसिडर अ पार्टिकल, इट इज ए नैनो पार्टिकल। तो उसकी कोई तो भी एक डायमेंशन, ओके, अगर एटलीस्ट वन डायमेंशन उसकी अगर नैनो स्केल में है तो वो मटेरियल दैट कुड बी रेफर्ड एज ए नैनो मटेरियल। अब ये स्केल है, देखो यहाँ पे एक डायमेंशन आ गया, एटलीस्ट वन डायमेंशन, मतलब ऐसे कुछ तो डायमेंशन है जो आप नैनो मटेरियल के लिए डिफाइन कर सकते हैं। देयर मे बी वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू दैट दिस नैनो मटेरियल्स विल चेंज। ओके, तो ये नैनो मटेरियल चेंज हो जाएंगे, तो कैसे, तो अलग अलग डेफिनेशन अगर आप देखते हो तो, या फिर नैनो साइज देखते हो तो नैनो साइज या फिर नैनो मटेरियल जो होता है इट इज हैविंग लार्जर साइज एज कम्पेयर टू दी सिंगल एटम। कोई भी आप एक एटम कंसिडर करते हो तो उससे नैनो मटेरियल की साइज लार्जर होती है, और नैनो मटेरियल की साइज बैक्टीरिया या फिर सेल्स होते हैं उनसे भी कम होती है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली दी स्केल एट दैट इज नैनो स्केल। अभी हमने देखा कि अलग अलग डायमेंशन होते हैं। ओके, सो एटलीस्ट वन डायमेंशन, इसका मतलब क्या, कोई तो भी एक डायमेंशन क्या होना चाहिए, नैनो स्केल पे होना चाहिए। इसलिए अब ये क्वेश्चन आता है कि और कौन सी डायमेंशन है, उस डायमेंशन में ये नैनो मटेरियल कैसे स्ट्रक्चरली हमें अपियर होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस देर आर डिफरेंट डायमेंशन, देर आर थ्री डायमेंशन फॉर दी नैनो मटेरियल, दैट मे बी जीरो डायमेंशनल नैनो मटेरियल। इसमें क्या होता है, देखो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला पार्ट है, पर इसको कंफ्यूज मत करो, ध्यान से सुनो। जीरो डायमेंशनल का मतलब क्या, उसके सारे डायमेंशन ये क्या होते हैं, नैनो स्केल में होते हैं, या फिर यू कैन से दैट जीरो डायमेंशनल मीन्स कोई भी एक भी डायमेंशन उसका लार्ज नहीं होता है। देखो ध्यान से सुनो, जीरो डायमेंशन का मतलब एक भी डायमेंशन उसका लार्ज स्केल पे नहीं होता है। ये हो गया आपका ऑल डायमेंशन आर इन नैनो स्केल। दूसरा होता है देखो वन डायमेंशनल, मतलब एक डायमेंशन जो होता है इसका ये लार्ज स्केल में होता है। ओके, और बाकी जो दो डायमेंशन है वो नैनो स्केल में होते हैं। और तीसरा जो है आपका टाइप टू डायमेंशनल, मतलब उसके दो डायमेंशन जो होते हैं वो लार्ज स्केल में होते हैं, और एक डायमेंशन जो होता है उसका ये नैनो स्केल में होता है। अब इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम। जीरो डायमेंशनल मतलब क्या, सारे जो डायमेंशन है इसके ये स्मॉल है। ओके, तो ये जो सारे डायमेंशन स्मॉल है मतलब क्या, दिस मे बी अ पाउडर। और वन डायमेंशनल मतलब क्या, दिस मे बी अ वायर। ओके, तो एक ही डायमेंशन उसका क्या है, इलोंगेटेड है, बाकी जो दो डायमेंशन है इसमें ये क्या है, नैनो स्केल पे है। तो ये हो गया आपका वायर। या फिर टू डायमेंशन मतलब दो डायमेंशन इलोंगेटेड है, यू कैन एक्सटेंड एनी टू डायमेंशन, एक्स या फिर वाई एक्सिस में अगर आप उसको इलोंगेट करते हैं दैट बिकम्स अ शीट, दैट्स व्हाई द मटेरियल इज हैविंग ओनली वन डायमेंशन एट दी नैनो स्केल। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया, इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ये ध्यान से देखना है। तो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि क्या एक्चुअली जीरो डायमेंशन, वन डायमेंशनल या फिर टू डायमेंशनल मटेरियल होता है। जैसे कि ये जीरो डायमेंशनल, ओके, सो दिस इज जीरो डायमेंशनल मटेरियल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। और आप कह सकते हैं कि दूसरा वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल मतलब क्या, इट इज लाइक ए वायर। ओके, आप इसे कह सकते हैं कि ये नैनो वायर्स है या फिर नैनो ट्यूब्स है या फिर नैनो रॉड्स है, दे आर हैविंग वन डायमेंशन एट द लार्ज स्केल एंड टू अदर डायमेंशन आर इन द नैनो स्केल। आगे वाला देखते हैं कि
टू डायमेंशनल. ओके, टू डायमेंशनल मतलब क्या, दे मे बी नैनो शीट्स. ओके, नैनो शीट्स हो सकते हैं या फिर नैनो कोटिंग्स हो सकते हैं. उसमें क्या होता है कि टू डायमेंशनल, इसे हम टू डायमेंशनल कहते हैं, मतलब दो डायमेंशन इसके क्या है, इलोंगेटेड. ओके, और एक ही डायमेंशन ऐसा है जो नैनो स्केल पे है. सो दिस इज एक्चुअली द नैनो मटेरियल्स एंड द टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर डायमेंशंस, पाउडर, वायर और शीट्स में. तो ये सारा बेसिक हमने अभी देख लिया. तो अब आते हैं नैनो केमिस्ट्री की तरफ. सो हाउ दिस नैनो साइज और दिस नैनो मटेरियल्स आर अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. सो इट इज हैविंग वेरी इंपॉर्टेंस इन द केमिस्ट्री फील्ड. सो व्हाट इज द डेफिनेशन एक्चुअली, इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ नैनो साइंस एंड केमिस्ट्री. सो दिस नैनो मटेरियल्स हैव ट्रिमेंडस एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. तो ये नैनो केमिस्ट्री होता क्या है, ओके, इट डील्स विद द डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स एट नैनो स्केल. नैनो स्केल पे हमें क्या करना है, मटेरियल्स का डिजाइनिंग करना है, उसका सिंथेसिस करना है. दे मे हैव डिफरेंट साइज, शेप और स्ट्रक्चर्स, दैट इज कॉल्ड एज द नैनो केमिस्ट्री. और नैनो केमिस्ट्री इज ऑल्सो यूज इन द फील्ड ऑफ केमिकल, केमिकल फील्ड या फिर फिजिकल या फिर मटेरियल साइंस या फिर इंजीनियरिंग में बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस आर देयर, ट्रिमेंडस एप्लीकेशंस ऑफ इन द बायोलॉजिकल फील्ड एंड इन द मेडिकल फील्ड. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द नैनो केमिस्ट्री. तो ये नैनो केमिस्ट्री या फिर नैनो मटेरियल्स जो होते हैं, नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं, इनकी ऐसी क्या खासियत है या फिर उनकी ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखेंगे. दैट इज देयर प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दीज नैनो पार्टिकल्स. वन बाय वन हम देखेंगे, जैसे कि कलर. कलर ये एक प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी. सो इट इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दैट इज डिफरेंट एट द नैनो स्केल. जैसे कि एक एग्जांपल भी हम दे सकते हैं कि गोल्ड पार्टिकल. ओके, यू नो गोल्ड, गोल्ड इज येलोइश इन कलर एट द मॉलिक्यूलर लेवल. ओके, एट द बल्क लेवल. बट इफ यू गो टू द नैनो स्केल ऑफ द गोल्ड, इट अपियर्स एट द रेडिश कलर. ओके, ये रेडिश कलर करके अपियर होता है. सो देयर इज अ चेंज इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एट द नैनो स्केल. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. देन द सेकंड प्रॉपर्टी इज सरफेस एरिया. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओनली द सरफेस एरिया, दिस नैनो मटेरियल्स हैव हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो. क्योंकि उस कंपाउंड का सरफेस जितना एक्सपोज होगा उतना वो ज्यादा रिएक्शन करेगा, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, बहुत अलग हो जाती है बल्क मटेरियल से. देन इफ लार्ज मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इट्स वॉल्यूम रिमेन्स सेम. ओके, वॉल्यूम उसका सेम रहता है बट सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. दैट इज नथिंग बट द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो. स्मॉलर पार्टिकल्स रिएक्ट मच फास्टर बिकॉज ऑफ द मोर सरफेस एरिया. जैसे कि आप अगर कुछ बल्क मॉलिक्यूल कंसिडर करते हो और कुछ पाउडर फॉर्म में मॉलिक्यूल कंसिडर करते हो, तो जो पाउडर फॉर्म में है वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा एज कम्पेयर टू दिस बल्क मॉलिक्यूल. बिकॉज दिस पाउडर फॉर्म में अगर आप उसे कन्वर्ट करते हो तो उसका मोर एंड मोर सरफेस एरिया इज एक्सपोज. दैट्स वाई द स्मॉल पार्टिकल्स रिएक्ट मोर फास्टर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज कैटालाइटिक एक्टिविटी. यस, द नैनो पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, दे हैव हाई कैटालाइटिकल एक्टिविटी. दे हैव हाई एक्टिविटी टुवर्ड्स द केमिकल कंपाउंड्स या फिर टुवर्ड्स द रिएक्शंस. ओके, तो नैनो पार्टिकल्स में कैटालाइटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है. सो कैटालाइटिक एक्टिविटी में आप ये भी कह सकते हैं कि कैटलिस्ट. ओके, सो नैनो कैटलिस्ट आर इजिली सेपरेटेड एंड रिसाइकल. वी नो दैट दिस कैटलिस्ट इज अ कंपाउंड विच टेक पार्ट इन अ रिएक्शन. ओके, और विच डज नॉट टेक पार्ट पर्टिकुलरली इन रिएक्शन, बट इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. मीन्स इट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन. तो रिएक्शन का रेट अल्टर करता है और रिएक्शन के बाहर फिर से आ जाता है, दैट इज अ कैटलिस्ट. पर अभी ये भी स्टडी हो रहा है कि नैनो कैटलिस्ट जो है आपके, ये नैनो कैटलिस्ट वी कैन रिसाइकल एंड रीयूज ऑल्सो. ओके, मतलब हम उसकी रीयूजेबिलिटी या फिर इसे हम कह सकते हैं कि रिपीटेबिलिटी. ओके, वी कैन चेक द रिपीटेबिलिटी ऑफ दिस नैनो मटेरियल्स ऑल्सो.
एग्जाम्पल जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड इन बल्क फॉर्म इज अनरिएक्टिव, बट नैनो साइज गोल्ड पार्टिकल्स अगर आप देखते हो तो वो कैटालाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियसली इफ मेल्टिंग पॉइंट इज देयर द साइज मैटर्स, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द नैनो मटेरियल। एज साइज डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द नैनो मटेरियल्स ऑल्सो डिक्रीजेस, बट दिस इज नॉट ऑलवेज फॉर ऑल द नैनो मटेरियल्स, इट कुड बी एप्लीकेबल फॉर द सम ऑफ द नैनो मटेरियल्स। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। यस, दे हैव इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इनकी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज दे हैव लार्जर सरफेस एरिया एंड स्मॉलर साइज। बिकॉज द नैनो मटेरियल्स हैव हायर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू इट्स बल्क मेटल। एग्जाम्पल देख सकते हो आपके नैनो साइज कॉपर या फिर पैलेडियम के अगर पार्टिकल्स होते हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है या फिर उनका हार्डनेस होता है वो 500% ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू देयर बल्क मेटल। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल्स। दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज एनहांस्ड, बट यू कैनॉट चेंज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर कोई एक मटेरियल सपोज इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर है ना, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसे आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं प्रोवाइड कर सकते इन द नैनो साइज। बट इफ एनी मटेरियल इज हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यू कैन श्योरली इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बाय कन्वर्टिंग इट इन टू द नैनो साइज। ओके, मीन्स नैनो पार्टिकल्स शोज इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू देयर बल्क मेटल। तो ये हो गए इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ओके, आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू कि नैनो मटेरियल्स होते क्या है, उनकी साइज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या फिर उनकी एप्लीकेशंस। सो विद दिस वी स्टॉप हियर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सच इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन बटन। थैंक यू।